वैसे स्टूडेंट जो 2023 से 2025 सेशन के लिए इंटरमीडिएट में ऑनलाइन किया था, अप्लाई किया था, जिसके लिए आपको मेरिट लिस्ट आया था, पहला मेरिट लिस्ट आने के बाद आप सभी को एडमिशन हुआ। एडमिशन होने के बाद कई लोग ऐसे स्टूडेंट थे जिनका पहला मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था, तो उन सभी के लिए आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए वेट करना था। तो फिलहाल इस वीडियो में आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ कि सेकेंड मेरिट लिस्ट आज जारी कर दिया गया है। लिंक अभी एक्टिव पूरी तरह से नहीं हुआ है, लेकिन लिंक आधे से एक घंटा यानी कि 10 बजे तक लगभग आपको लिंक एक्टिव हो जाएगा पूरी तरह से। तो इस वीडियो में आप सभी को मैं जानकारी देने वाला हूँ कि सेकेंड मेरिट लिस्ट का इंटीमेशन लेटर जो होता है एडमिशन कराने के लिए कॉलेज में, तो एडमिशन कराने के लिए सेकेंड मेरिट लिस्ट का इंटीमेशन लेटर कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, आपको सारी जानकारी मैं बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छा तरह लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, मैन में किसी भी तरह का सवाल आएगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और ऑनलाइन जिस कॉलेज का एडमिशन होता है उस कॉलेज का पहले से वीडियो बना हुआ है, आप उस वाले वीडियो को देखकर आप अपना ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। जो भी कॉलेज का ऑनलाइन पोर्टल है उस कॉलेज का मैं वीडियो बना चुका हूँ, जो आप अपना वीडियो देखकर अपना घर बैठे भी एडमिशन ले सकते हैं। आपको कहीं कैफे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप एडमिशन ले सकते हैं उसी तरह से ऑनलाइन करके अपने डॉक्यूमेंट जाकर कॉलेज में वेरिफिकेशन करा लीजिएगा। तो चलिए मैं इस वीडियो में आप सभी को दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आपको इंटीमेशन लेटर यानी कि सेकेंड मेरिट लिस्ट का नाम आया है कि नहीं आया है, कैसे चेक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल ब्राउजर ओपन करेंगे, मोबाइल से भी कर रहे हो तो मोबाइल में यही ओपन कीजिएगा। यहाँ पर गूगल में सर्च कीजिएगा मोबाइल में OFSS, इस तरह से सर्च कीजिएगा। यहाँ पर सर्च का सेक्शन इस तरह सर्च कर लीजिएगा, ये वाला पेज ओपन होगा, ये वाला पेज आपको ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर OFSS ऑनलाइन फैसिलिटी सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद पेज ओपन होगा इस तरह से। आप दो तरीका से यहाँ पर इंटीमेशन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। पहला तरीका होगा आपको ID पासवर्ड के माध्यम से, दूसरा तरीका होगा आपको केवल रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के या मोबाइल नंबर के माध्यम से। तो चलिए मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ, इसके बाद जो जिनका दूसरा तरीका पता करना होगा तो आप दूसरा तरीका से भी पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से आप सेकेंड मेरिट लिस्ट वाले यहाँ पर आइएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा इंटरमीडिएट वाला पर। यहाँ पर आपको बार कोड नंबर डालना होगा, जो आपको जो रिसीविंग मिला होगा ऑनलाइन करते वक्त, रिसीविंग के जस्ट ऊपर फोटो होगा, फोटो के जस्ट ऊपर में होगा आपको बार कोड नंबर जो 23 से स्टार्ट होगा, 23G से या J से स्टार्ट होगा, 23J से स्टार्टिंग होगा, उस वाले बार कोड को इसमें फिलअप कीजिएगा। और जो मोबाइल नंबर आपने ऑनलाइन करते वक्त दिया था वो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप कीजिएगा। ये वाला कैप्चा कोड है इस वाले बॉक्स में फिलअप कीजिए, यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको प्रिंट हो जाएगा। और जिनका यहाँ से प्रिंट नहीं होता है तो दूसरा मेथड अपनाएगा वहाँ से। दूसरा मेथड अपनाने के लिए पहले होम पेज पर यहाँ पर आइएगा, होम पेज पर आने के बाद यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन का सेक्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा। और जो मोबाइल से करते हो यहाँ पर तो 3 डॉट दिया होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको स्टूडेंट पोर्टल का शो कर जाएगा। तो स्टूडेंट लॉगिन में आने के बाद इस तरह से आएगा, यहाँ पर इंटरमीडिएट में नामांकन हेतु आवेदन करने वाले आवेदन के यहाँ क्लिक करें, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना होगा, जो आपके पासवर्ड जो बना होगा उस वाले पासवर्ड को यानी कि जिस समय ऑनलाइन करते वक्त जो पासवर्ड बना होगा उस पासवर्ड को यहाँ पर फिलअप कीजिएगा। ये वाला कैप्चा इसमें इस बॉक्स में फिलअप कीजिएगा, लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने का सेक्शन होगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, आपको इंटीमेशन लेटर डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको दो तरीका से यहाँ पर इंटीमेशन लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, मन में किसी भी तरह का सवाल लगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और जो भी ऑनलाइन से वीडियो अगर चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।